बात करें मतदाताओं की तो वह गांवों में ना मिलने वाली सुविधाओं से प्रत्याशियों से नाराज है। देखिए पूरी रिपोर्ट। वार्ड में नेताओं के वादों की खुली पोल, महंगाई और बेरोजगारी से वार्डवासी नाराज। वार्डवासियों ने की मूलभूत सुविधाओं की मांग। नेता अपनी चुनावी जीत का कर रहे दावा। आखिर कब तक हल होगी रहवासियों की समस्या? दरअसल मध्य प्रदेश के ग्वालियर की जनता महंगाई और बेरोजगारी को लेकर नाराज नजर आ रही है। जब एमकेएन की टीम ने वार्ड क्रमांक 65 में जाकर वहां के रहवासियों से बात की तो उन्होंने पानी, महंगाई और बेरोजगारी को लेकर नाराजगी जाहिर की। रहवासियों का कहना है कि वे बदलाव चाहते हैं, साथ ही उन्होंने अपनी समस्याएं वार्ड पार्षद विधायक को भी अवगत कराने की बात कही, बावजूद इसके समस्या का समाधान नहीं किया गया। वहीं जब इस पूरे मामले को लेकर जब बीजेपी प्रत्याशी भारत सिंह कुशवाहा से बात की गई, तो उन्होंने मीडिया को कहा कि ये सब मनगढ़ंत कहानी है, हमसे कोई भी समाज नाराज नहीं है और हम प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 400 सीट पार करेंगे। हालांकि रहवासियों की समस्याओं का समाधान कब तक होता है ये देखना होगा। ग्वालियर से संवाददाता योगेश बिसारिया की रिपोर्ट। चुनाव को हम ऐसे देख रहे हैं जैसे हमने भाजपा पार्टी को जिताया है पहले विधानसभा में, लेकिन उनने हमारी गली में लाइट नहीं डलवाई, पानी नहीं डलवाओ। अब हम देख रहे हैं कोई निर्दलीय पार्टी से खड़े होगा उसके वोट डालेंगे। जी विचार है मेरा, ये कांग्रेस ना सुने ना भाजपा सुने, मेरी कोई ना सुनती हुई। इस बार चुनाव में मुझे तो अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा। समस्या यही है कि ना तो इधर तिगरा का लाइन है और ना जी रोड है ना सिवर है, सही सिवर ही नहीं है बिल्कुल। चाहे जब जी चैम्बर बहने लगती है, रोजगार को लेकर महंगाई इतनी बढ़ रही है और क्या बताएं, है महंगाई इतनी है कि ना तो धंधे पानी है बच्चों के। पानी तिगरा का आ जाए वो अच्छा है, इधर इस पानी पीते हैं तो पेट में भी दिक्कत होती है इससे। गरीबों बोरिंग आती नहीं है, फिर टैंकर मंगाते हैं इधर उधर से पानी लाते हैं। तो क्या लग रहा है इस बार आपको? ये लग रहा है तिगरा का पानी इधर आ जाए। तो यहाँ पर जनता के बीच में आए हम ग्राउंड रिपोर्ट लेने कि जनता के मन में क्या चल रहा है इस समय, जनता किन मुद्दों को लेकर अपना मतदान करेगी। ये सब महन मुद्दा है विशेष कि यह मुद्दे क्या है, जनता मन में क्या बनाए बैठी है इस बार। तो ये जनता का मन अपन टटोलने आए कि मन जब भाई ऊँट किस करवट बैठेगा ये तो 4 जून को पता पड़ेगा, लेकिन फिलहाल हम बाढ़ इस समय 65 में खड़े हुए हैं और जनता से पूछने आए हैं इनकी मर्जी और किस तरफ क्या मुद्दे लेके जनता वोट करने जाए। कोई समाज नाराज नहीं है, नेता नाराज है, ये तो आप वैसी मनगढ़ंत कहानी कह रहे हैं। सब समाज मेरे पे प्रसन्न है, सब समाज प्रसन्न, पूरे समाज। क्या लगता है इस बार 400 पार का नारा? 400 पार होना ही है। मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी एनडीए की 400 से अधिक सीटें आवेंगी, क्योंकि मोदी जी का काम बोल रहा है। मोदी जी की जनता चाहती है कि फिर से प्रधानमंत्री मोदी जी बने, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना तय है।